को ओपन करने के लिए इन विंडो सेवन ओके सो द करेक्ट आंसर इज शॉर्टकट नाउ सेकेंड इज डैश इज अ मूविंग पैटर्न और एनिमेशन ऑन द स्क्रीन सो किसे हम मूविंग पैटर्न या एनिमेशन कहते हैं स्क्रीन में दैट इज स्क्रीन सेवर एस सी आर डबल ई एन स्क्रीन एस ए वी आर सेवर स्क्रीन सेवर क्या है हमारा एक मूविंग पैटर्न है या फिर एनिमेशन है हमारे स्क्रीन में नाउ द थर्ड वन इज डैश इज द मेन टूल विच कैन बी कैप्ट ऑन द डेस्क टॉप टू गेट क्विक एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन सो ऐसा कौन सा मेन टूल है जो कैप्ट होता है कहाँ पे हमारे डेस्क टॉप पे टू गेट क्विक एक्सेस जिसे हम इजिली एक्सेस कर सकते हैं ओके सो दैट इज गैजेट G A D G E T gadget. So gadget is the main tool. Gadget हमारा एक ऐसा main tool है जो हमारे desktop में present होता है जिसे हम uh, इन gadgets को easily और fastly access कर सकते हैं use कर सकते हैं okay? Now fourth one is dash helps to manage the various currently active programs. So इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें help करती है manage करने के लिए active programs को that is task bar. T A S K टास्क बी ए आर बार टास्क बार ओके सो टास्क बार हेल्प करता है जो भी हमारे करेंटली प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं सिस्टम पे उन सबको टास्क बार मैनेज करता है ओके नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फर्स्ट डेट एंड टाइम इज अवेलेबल ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार हमारे टास्क बार में राइट right साइड पे डेट एंड टाइम अवेलेबल होता है सो दिस स्टेटमेंट इज true second screen saver does not start by itself screen saver khud se start nahi hota hai kabhi bhi so this statement is false because screen saver ko jab hum set kar lete hain to jab bhi hum apne systems ko use नहीं कर रहे होते हैं ठीक है थीके? हमारा सिस्टम एक्टिव मोड पे नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा स्क्रीन सेवर एक्टिव मोड पे आ जाता है ओके okay? तो स्क्रीन सेवर शो होता है वो खुद से शो होता है खुद से स्टार्ट हो जाता है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स थर्ड वी कैन क्रिएट अवर ओन डेस्कटॉप बैकग्राउंड हम अपना डेस्कटॉप बैकग्राउंड खुद से क्रिएट कर सकते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फोर्थ वॉल पेपर्स आर इन बिल्ट एन विंडोज सेवन हमारे जो वॉल पेपर्स होते हैं विंडोज सेवन में वो इनबिल्ट होते हैं इन बिल्ट का मीनिंग है कि वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं मतलब कुछ हमारे वॉल पेपर्स ऑलरेडी फिक्स होते हैं हमारे विंडोज सेवन में ओके सो ट्रू फिफ्थ गैजेट्स दी सेटिंग्स ऑफ स्क्रीन सेवर बैकग्राउंड एंड कलर स्कीम टुगेदर सो गैजेट्स एक ऐसी सेटिंग्स है हमारी स्क्रीन सेवर बैकग्राउंड की और कलर स्कीम की सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज गैजेट्स हमारे क्या होते हैं मेन टूल होते हैं जो हमारे डेस्कटॉप में प्रेजेंट होते हैं ओके सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स

सो स्टार्ट बटन को हम गेटवे टू विंडोज भी कहते हैं सो दिस इज अवर स्टार्ट बटन नाउ थर्ड वन इज मिनिमाइज योर स्क्रीन टू व्यू डेस्कटॉप हम अपने स्क्रीन को मिनिमाइज कर सकते हैं डेस्कटॉप को व्यू करने के लिए बाय द हेल्प ऑफ शो डेस्कटॉप दिस द आइकन ऑफ शो डेस्कटॉप ये किसका आइकन है हमारा शो डेस्कटॉप का आइकन है ठीक है ये कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे टास्क बार में एट द राइट कॉर्नर टास्क बार के राइट right कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है ओके okay? और हमारा टास्क बार कहाँ प्रेजेंट होता है बॉटम ऑफ डेस्कटॉप हमारे डेस्कटॉप के सबसे बॉटम पे हमारा टास्क बार प्रेजेंट होता है ओके नाउ फोर्थ इज एनिमेटेड इमेज टू सेव दी स्क्रीन फ्रॉम डैमेज सो हमारे एनिमेटेड इमेज कौन कहलाते हैं स्क्रीन सेवर्स सो दिस इज अवर स्क्रीन सेवर आइकन नाउ अ स्मॉल प्रोग्राम टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क एक छोटा प्रोग्राम जो हमारा एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकता है सो so, ये है हमारा कौन सा गैजेट है कैलेंडर का गैजेट है ओके okay? सो so, ये एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है करता है मींस ओके सो डियर स्टूडेंट्स टूडे यू हैव टू डू दीज थ्री एक्सरसाइज इन योर बुक एज वेल एज इन योर नोट बुक ऑल्सो आपको ये थ्री एक्सरसाइज अपनी बुक में भी कम्प्लीट करनी है और अपने नोटबुक में भी कम्प्लीट करनी है ओके एंड रेस्ट ऑफ दी एक्सरसाइज वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास थैंक यू